नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार सरकार की एक नई पहल, सरकारी भवनों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू। ऑनलाइन बुकिंग पर 18% GST लागू। रामानुजन और सीवी रमन टैलेंट सर्च परीक्षा, 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा, 4 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन। बिहार विधानसभा सचिवालय में निकली भर्ती, पुस्तकालय सहायक सहित कई पदों के लिए भर्ती, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करें आवेदन। राजगीर महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित, जिलाधिकारी ने महोत्सव की तैयारियों पर की बैठक, महोत्सव में सुरक्षा सफाई और यातायात पर ध्यान। और बिहार में नवंबर के महीने ने दी खतरे की घंटी, नवंबर के महीने में 5 साल का टूटा रिकॉर्ड, तापमान रहा शीर्ष स्तर पर, वजह आई सामने। अब खबरें विस्तार से। बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च और सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट प्रतियोगिता का दूसरा चरण 7 से 9 दिसंबर तक 4 पालियों में आयोजित होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 से 11 बजे, 12 से 1 बजे, 2 से 3 बजे और 4 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर तृतीय से 10वां स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2024 और सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन सरकारी अतिथि गृह, सर्किट हाउस और अन्य सरकारी भवनों में कमरे की बुकिंग कर सकता है। भवन निर्माण विभाग द्वारा विकसित की गई इस नई वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब लोग वातानुकूलित और सामान्य कमरे दोनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और सरकारी कामों के लिए सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट भी दी गई है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि इस वेबसाइट से बुकिंग में सुविधा दे होगी। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि इस वेबसाइट से बुकिंग में सुविधा होगी और सभी सरकारी भवनों की बुकिंग अब एक ही स्थान से की जा सकेगी। दूसरी ओर पटना के प्रमुख स्थलों जैसे कि ज्ञान भवन और पटना साई भवन के कमरों और सभागारों की बुकिंग भी अब ऑनलाइन की जा सकती है। इसके साथ ही बुकिंग पर 18% GST भी लगेगा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले 2 बड़े एक्सप्रेसवे अब बिहार के 13 प्रमुख शहरों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल यात्रा की दूरी कम होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। पहला प्रमुख एक्सप्रेसवे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। इस मार्ग पर बिहार के 13 शहरों जैसे कि किशनगंज, सहरसा, छपरा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेगा। वही दूसरा एक्सप्रेसवे है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो रक्सौल से शुरू होकर हल्दिया तक जाएगा, और इसमें बिहार के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे कि बांका, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल है। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित महोत्सव इस बार एक नई धूम के साथ होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। राजगीर महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जो कि RICC हॉकी मैदान में संपन्न होगा। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि मेला, व्यंजन मेला, महिला महोत्सव, प्रदर्शनी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिलाधिकारी ने खास तौर पर सुरक्षा, सफाई, पेयजल, यातायात व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, ताकि महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए एक अहम सूचना है। द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन टेस्ट और बायोमेट्रिक मिलान के लिए बुलाया गया है। ये जांच आज यानी 4 दिसंबर से दरभंगा के करमगंज स्थित शिक्षा भवन में शुरू हो रही है, और ये प्रक्रिया जो है 7 दिसंबर तक चलेगी। जिला प्रशासन ने उन सभी शिक्षकों को बुलाया है जिन्होंने द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास की है। इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षक असली हैं और इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है।
इस जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को फर्जी मानकर उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप रंजन ने चेतावनी दी है कि जो शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेटर सहित कई अन्य पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 29 नवंबर 2024 से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 13 दिसंबर 2024। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 42 वर्ष तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार विधानसभा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के लोगों को गीत संगीत के क्षेत्र में रोजी रोजगार मिल रहा है। शादी विवाह सहित अन्य समारोहों में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर है। देश में कुल 1,07,000 लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 27,435 लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहाँ 9,241 लोग रोजगार पा रहे हैं और तीसरे स्थान पर बिहार है, जहां 8,934 लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में गीत संगीत के क्षेत्र में काम करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक है, जो लगभग 77% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 22% है। इस बार नवंबर में पटना, गया और भागलपुर में तापमान ने पिछले 5 वर्षों के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। इस साल नवंबर में तापमान का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा कि ये पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण का सीधा संकेत माना जा रहा है। पटना में इस वर्ष 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 5 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं गया में भी 33.8 डिग्री और भागलपुर में 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कम वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण ये स्थिति जो है उत्पन्न हुई है, जो भविष्य में पर्यावरणीय संकट को बढ़ा सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी है। अब अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपने मार्क्स को देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी। आपको बता दें कि BPSC 69वीं CCE का फाइनल रिजल्ट 26 नवंबर को घोषित किया गया था। इस बार सीतामढ़ी के रायपुर गांव के उज्जवल कुमार उपकर ने टॉप किया है। वे आंगनबाड़ी सेविका के बेटे हैं और फिलहाल वैशाली में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। दूसरे स्थान पर सर्वेश कुमार और तीसरे स्थान पर शिवम तिवारी रहे। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष 10 में एकमात्र महिला क्रांति कुमारी है, जो 6 स्थान पर है। BPSC 69वीं CCE परीक्षा में कुल 470 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। इधर बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के विकास के लिए 3 प्रमुख बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 42 नए शक्ति उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनकी निर्माण लागत 454.53 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा 33 KV फिडरो का जीर्णोद्वार किया जाएगा, जिसकी लागत 135.67 करोड़ रुपए है, और 295.60 किलोमीटर लंबी नई 33 KV लाइन का निर्माण होगा, जिसके लिए 82.55 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 672.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही कंकड़बाग में शंकर नेत्रालय का निर्माण होगा, जिसमें 1.7 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। यहां 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों का उन्नयन भी किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल महाराष्ट्र जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CM नीतीश महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में BJP सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन जारी है। आज महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, जिसके लिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित NDA के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
बिहार कांग्रेस की गतिविधियां तेज हो गई है, जहां पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। पार्टी का ध्यान अपनी जड़ों को मजबूत करने पर है और डॉक्टर अखिलेश जनता के बीच अपनी नीतियों का प्रचार करेंगे। आगामी बिहार भ्रमण की योजना 14 जनवरी के बाद शुरू हो सकती है। डॉक्टर अखिलेश के नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी और उन्होंने महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। बिहार उपचुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत पर बड़ा बयान दिया है सुधाकर सिंह ने। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है और विपक्ष के वोटों को तोड़ने का काम कर रही है, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ है। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए जनसुराज को बीजेपी जेडीयू द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि बिहार 2024 में आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी को और भी मजबूत होगी। हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन ने प्रबंधन को चिंता में डाल दिया है। पिछले 10 टेस्ट पारियों में ओपनिंग करते हुए उनका स्कोर कुछ इस प्रकार रहा: 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 0, 8, 18 और 11 रन। ये आंकड़े निश्चित तौर पर सवाल उठाते हैं, खासकर तब जब भारत को आगामी गुलाबी गेंद के डे नाइट टेस्ट मैच की तैयारी करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने हिस्सा नहीं लिया था और उनके स्थान पर केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की थी। इस साझेदारी में राहुल ने 26 और 77 रन की पारी खेली। वहीं दूसरी पारी में जायसवाल ने 161 रन बनाकर दर्शाया कि भारतीय टीम में युवा प्रतिभाएं पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद रोहित शर्मा कैनबरा में अभ्यास मैच के 4th नंबर पर उतरे, लेकिन वहां भी उन्हें मात्र 3 रन पर आउट होना पड़ा। हालांकि एडिलेड ओवल में मंगलवार को हुए अभ्यास सत्र को देखकर ये संकेत मिल रहे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा गुलाबी गेंद के डे नाइट टेस्ट में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का विकल्प चुन सकते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले से खबर है, जहां बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन के उपचुनाव के चलते पुलिस ने जनसुराज पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डुमरा थाना पुलिस ने शंकर चौक से एक लग्जरी कार में पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और उन पर आरोप है कि वे मतदाताओं के बीच पैसे बांट रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग एक लग्जरी कार में चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। जब पुलिस ने वाहन को रोका तो वहां से 1,52,000 रुपए, चुनाव प्रचार सामग्री, पंपलेट्स और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। ये कार झारखंड के किसी बड़े अधिकारी के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि पुलिस ने अभी तक उस अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, छोटू रजा, उमेश ऋषिदेव, सानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, मोहम्मद अजमेर, राम बाबूदास, अरशद दुरानी, राकेश मिश्रा, मोहम्मद इरफान, रवि मोहन वर्मा, रवि शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको डिजिटल भुगतान प्रणाली में विश्वास है या आप अभी भी नगद भुगतान करना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।